सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डियर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज हम इंडिया के वेरियस डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्लासिकल डांस, फोक डांस, इसके बाद अन्य जो डांस होता है, सबके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जानेंगे। तो इनमें से बहुत सारे स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट डांस होता है, जैसे कि मणिपुर का इंपॉर्टेंट डांस है मणिपुरी, ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी, ठीक है, इसके बाद पंजाब का है भांगड़ा गिद्धा, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तो इन सब इंपॉर्टेंट डांस के साथ साथ बहुत सब स्टेट में और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा डांस भी होता है, अदर्स डांस भी होता है, जिसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज आसाम। आसाम का इम्पोर्टेंट डांस में आता है बिहू एंड बागुरुम्बा, ठीक है। तो बिहू एंड बागुरुम्बा से एग्जाम में हर बार पूछा जाता है दोनों डांस को। देन इसके अलावा भी आसाम में और भी बहुत सारे डांस है, जैसे कि नाट पूजा है, काली गोपाल है, नागा डांस है, खेल गोपाल है, तो ये सब डांस भी इम्पोर्टेंट है आसाम के लिए। देन नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट डांस है कुचिपुड़ी, ठीक है, ये डांस इसमें इसको एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देन नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा डांस है आंध्र प्रदेश का, जिसमें आता है आंध्र नाट्यम, भिलाशिनी नाट्यम, इसके बाद भिरन नाट्यम, ठीक है, ये डांस भी आंध्र प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कुलाट्यम भी है आंध्र प्रदेश के लिए। देन नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट डांस में आता है भुइया, छालो, ठीक है, ये डांस आता है। इसके बाद पोंग आता है, इसके बाद पोपीर आता है, इसके बाद नेक्स्ट है बारोडो छम, ठीक है, ये डांस भी अरुणाचल प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट जो डांस है इसका नाम है जटा जतिन। ये डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछता है जटा जतिन से। देन नेक्स्ट और भी बहुत सारे डांस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सामा चकवा, इसके बाद विदेशिया, ठीक है, पनबारिया, ये सब डांस बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर हम छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म का बात करें तो इसमें आता है गाउर मारिया, इसके बाद है पांथी, देन राउत नाच, इसके बाद है कपालिक, देन और एक डांस है जिसको बोला जाता है चंदाइनी, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म। देन नेक्स्ट है गोवा। गोवा का अगर डांस का बात करें तो इसमें आता है तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगडी, शिगमो, इसके बाद है जागर, ठीक है, ये सब गोवा का डांस फॉर्म में आता है। देन नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का जो ट्रेडिशनल डांस है वो है गरबा एंड डांडिया, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, नवरात्रि के समय ये गुजरात में मतलब गरबा बहुत ही खेला जाता है, ठीक है। देन गुजरात का और एक डांस है जिसको बोला जाता है तिप्पुनी, एंड और एक है भपाई, ठीक है। देन नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा का डांस में आता है झूमर। देखिए यहाँ पर झूमर एंड घूमर दो अलग डांस है। घूमर है राजस्थान का ट्रेडिशनल डांस, ठीक है, तो हरियाणा का है झूमर। इसके बाद फाग है, धाप है, धमाल है, लोर है, गुग्गा है, खूर है एंड गागुर है। तो इनमें से झूमर, फाग, ये दोनों नाम याद रखने से चलेगा हरियाणा के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है चपेली एंड दांगी, ये दोनों डांस को बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा डांस है, जैसे कि झोरा, झाली, इसके बाद है धमन, ठीक है, इसके बाद नट्टी, ठीक है, तो ये सब डांस भी हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसमें से चपेली एंड दांगी को याद रखना है अच्छे से। देन नेक्स्ट स्टेट का नाम है झारखंड। झारखंड में से बहुत सारा डांस है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा ट्राइबल्स कम्युनिटी रहते हैं। तो झारखंड में जो डांस है डांस फॉर्म में, इसमें आता है कर्मा मुंडा, इसके बाद है अग्नि, इसके बाद है झूमर, इसके बाद है जनानी, देन झूमर, इसके बाद मुंडारी झूमर, देन पाइका, इसके बाद है होंटा डांस, ठीक है, ये भी बहुत सारा डांस है, मुंडारी डांस भी है झारखंड के लिए। देन नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका का सबसे इम्पोर्टेंट डांस है यक्षगाना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछता है। इसके बाद है हुतारी है, शुंगी है, इसके बाद लंबी है एंड करगा है, ये कर्नाटका के लिए डांस फॉर्म है। देन नेक्स्ट स्टेट का नाम है केरला, ठीक है। केरला के लिए जो इम्पोर्टेंट डांस है वो है कथकली, इसके बाद है मोहिनी नृत्यम एंड ओटम थुलाल, ये तीनों डांस एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, तो इन तीनों डांस को केरला के लिए अच्छे से याद रखना है। देन नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो दो डांस इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है मटकी एंड मंच, ठीक है, ये दोनों नाम से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डांस है, जैसे कि जवारा, देन है आदा, देन पुलपत्ती नाच, इसके बाद है ग्रीडा डांस, ठीक है, तो ये डांस मध्य प्रदेश के लिए है। देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में से जो दो नाम इम्पोर्टेंट है वो है लावणी एंड नकाटा, ये दोनों नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और भी बहुत सारे डांस है, जैसे कि कोली,
इसके बाद लेजिम, इसके बाद गफा, ये डांस भी महाराष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में से सबसे इम्पोर्टेंट डांस है रासलीला। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और भी बहुत सारे डांस है जैसे कि दोल छोलम, ठीक है, इसके बाद तंगता, इसके बाद लाई हराबो, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद भी लाउशा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में से ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक कोई पूछा नहीं है, फिर भी दो नाम याद रखना है जैसे कि लाहो है एंड नंगक्रेम है, ये दोनों नाम मेघालय के याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेट का नाम है मिजोरम। मिजोरम के इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म में जो आता है इसमें है चिराओ डांस, इसके बाद है क्वालम डांस, देन है जंगलम डांस, पारलम एंड लंगलम डांस। और एक बात दोस्तों, मिजोरम के डांस को याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि मिजोरम के करीब हर डांस के पीछे लम लगा हुआ है, ठीक है, लम। ओके, नेक्स्ट स्टेट का नाम है नागालैंड। नागालैंड में जो दो डांस एग्जाम में हर बार पूछता है वो है रंगमा डांस एंड जेलियांग डांस, ठीक है। ये दोनों डांस नागालैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी और बहुत सारे डांस है जैसे कि बेम्बो डांस भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है नागालैंड के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के लिए दो डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है, वो है उड़ीसी एंड छाव डांस, ठीक है। ये दोनों डांस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे डांस है जैसे कि पयांग है, इसके बाद सवारी है, ठीक है, मुनारी है, ये डांस उड़ीसा के लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है वो है भांगड़ा एंड गिद्धा। ये दोनों डांस पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा जो है वो मेल के लिए है एंड गिद्धा फीमेल के लिए है। इसके बाद पंजाब में और भी बहुत सारे डांस है जैसे कि डफ है, ठीक है, धम्मन है, इसके बाद भांड है, लेकिन सिर्फ भांगड़ा और गिद्धा से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डांस है मैंने पहले भी बताया था घूमर है, ठीक है, इसी में से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद भी और भी बहुत सारा डांस है जैसे कि चक्री है, झुलन लीला है, इसके बाद झुमा है एंड घापाल है, ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ घूमर नाम भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में घूमर ही हमेशा पूछता है। देन नेक्स्ट जो है सिक्किम। सिक्किम में वैसे तो सिक्किम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी कुछ नाम याद रखना है जैसे कि छाउफट डांस है, इसके बाद सिकमारी है, ठीक है, इसके बाद सिंगी छाम है, इसको द स्नो लायन डांस भी बोला जाता है, ठीक है, इसके बाद याक छाम है, ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम के लिए ये सब याद रखने से ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेट है इसका नाम है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में से सबसे इंपॉर्टेंट जो डांस है इसका नाम है भरतनाट्यम। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, तमिलनाडु से आता है भरतनाट्यम। इसके बाद कुमी है, ठीक है, एंड कोलाट्यम भी है। कोलाट्यम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के लिए, दो नाम भरतनाट्यम एंड कोलाट्यम, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेट का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में जो इंपॉर्टेंट डांस है इसमें आता है दप्पू नृत्यम है, इसके बाद लंबाड़ी है, ठीक है, इसके बाद गुशाड़ी है, इसके बाद मयूरी है, ठीक है, ट्राइबल दिमशा डांस भी है। ये सब डांस तेलंगाना के लिए इंपॉर्टेंट है एंड बुरो कथा भी है, तो ये सब तेलंगाना के लिए याद रखना है, ओके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेट का नाम है त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा में भी ट्राइबल कम्युनिटी का लोग रहते हैं, तो त्रिपुरा में दो डांस सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है हजागिरी डांस जो रियांग कम्युनिटी का डांस है, देन दूसरा है मसाक शुमानी एंड लेबांग बोमानी डांस जो त्रिपुरी कम्युनिटी का डांस है, ठीक है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे डांस है जैसे कि जूम डांस, मैमिता डांस, गरिया डांस, ठीक है, इसके बाद है बिजू डांस जो कि चकमा कम्युनिटी का डांस है, ठीक है। तो इनमें से हजागिरी एंड लेबांग बोमानी को अच्छे से याद रखना है। देन नेक्स्ट स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। इसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जो क्वेश्चन, वो है नटंकी, ठीक है, रासलीला है, इसके बाद कजारी है एंड चपेली है। ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। देन जो नेक्स्ट स्टेट है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जो इम्पोर्टेंट डांस है उसमें आता है गरवाली है, ठीक है, इसके बाद कुमायनी है, कजारी है, रासलीला है, चपेली है। ये नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश से, ठीक है। देन सबसे लास्ट जो स्टेट है उसका नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में से जो नाम एग्जाम में हर बार पूछा जाता है वो है काठी, इसके बाद है जात्रा, देन है कीर्तन, ठीक है। तो ये तीनों नाम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे डांस है जैसे कि बाउल है, इसके बाद चाव है एंड ढाली है, ठीक है, तो ये सब याद रखने से ही चलेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का डांस वीडियो, इसमें फोक डांस भी है एंड ट्रेडिशनल डांस भी है, क्लासिकल डांस भी है, तो मैंने एक साथ सबको करा दिया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आएगा तो इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।